أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा फ़ज़्लो करम बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इशा की नमाज़ जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाई और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको थोड़ी देर बैठकर कुरान मजीद की मुख्तसर तफसीर सुनने का मौका नसीब फ़रमाया। जिन आयतों की तिलावत की गई है ये एक नई सूरत की आयतें हैं। इस सूरत का नाम सूरतुत तलाक है, मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल की गई है। इस सूरत के अंदर भी दो रुकू हैं और इस सूरत के अंदर 12 आयतें हैं। इस सूरत का नाम सूरतुत तलाक इस वजह से रखा गया है कि इस सूरत के अंदर तलाक के ताल्लुक से बहुत सारे अहकामात आए हैं, जिस बुनियाद पर इस सूरत का नाम सूरतुत तलाक रख दिया गया है। इससे पहली सूरत के अंदर आया था कि जो है बाज़ बीवियाँ और बाज़ औलादे जो हैं तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो। दीनी मामलात के अंदर अगर इनकी वजह से जो है बेदीनी की तरफ जा रहे हों तो होशियार रहो और दीन ही की तरफ क्या रहो, रागिब रहो। फिर फरमाया गया था कि तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसके अंदर जो है फरमाया जा रहा है तलाक़ के ताल्लुक से मसाइल को बयान किए जा रहे हैं। तलाक़ क्या चीज़ है? एक है निकाह, ईजाब व कबूल कर देने की वजह से दो अजनबी रिश्ता जो आपस में हलाल नहीं थे, ईजाब व कबूल कर देने की वजह से वो अजनबी आपस में हलाल हो गए, एक हो गए। और तलाक नाम है उस चीज़ का कि एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके अदा करने की वजह से वो रिश्ता क्या हो जाता है, टूट जाता है। तलाक की इजाज़त शरीयत के अंदर है लेकिन पसंदीदा नहीं, लेकिन पसंदीदा नहीं है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अबगदुल हलाली इलल्लाहि ताला अत्तलाक, के हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा मबगूज़ चीज़ अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक तलाक है। और इसी तरीके से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मनकूल है, वह फरमाते हैं कि तुम अपनी औरतों को तलाक मत दिया करो, क्योंकि तलाक देने की वजह से अल्लाह का अर्श हल जाता है। तो जो है तलाक बहुत बुरी चीज़ है। और इसी तरीके से फरमाया गया एक रिवायत के अंदर हज़रत मुआज़ रदी अल्लाहु ताला अन्हु को ख़िताब करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुआज़, रोए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला को वो चीज़ बहुत ज़्यादा महबूब है कि ग़ुलाम और बांदियों को आज़ाद किया जाए। ग़ुलाम और बांदियों को आज़ाद करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। और इसी तरीके से रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला को सबसे मबगूज़ वो चीज़ें हैं, और बताया गया कि वो जो है मर्द का अपनी औरत को तलाक़ देना, तलाक़ देना ये सबसे मबगूज़ चीज़ है। बहरहाल इंसान ज़िंदगी के अंदर शादी करता है, निकाह कर लेता है, औरत को अपने घर के अंदर लाता है। लाने के बाद जो है ज़िंदगी मियाँ बीवी की चाहे कैसी भी हो, आपस में जो है अच्छी गुजर रही हो, खुशहाली की ज़िंदगी है, पैसा माल दौलत बहुत ज़्यादा, फिर भी थोड़ा बहुत अनबन मियाँ बीवी में हो ही जाता है। माल की कमी है फिर भी हो जाती है, माल ज़्यादा है फिर भी हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि मियाँ बीवी के जो कितना बड़ा वली क्यों ना हो, आपस में उनके दरमियान भी चेचे मेचे हो जाता है। लेकिन कुरान ये कहता है कि इनको सब्र किया जाए, इनको क्या किया जाए, सब्र किया जाए। बीवी की तरफ से कुछ ज़्यादती कुछ नज़र आ रही है तो शोहर जो है सब्र करे, और शोहर की तरफ से हल्की सी कुछ ज़्यादतियाँ हो जाए तो उनको क्या करे, सब्र करे। ये न कि वावेला मचाए और सब्र न करे, यहाँ तक कि भाई गुस्सा आ गया दो, एक दो तीन बल्कि तलाक दे दिए, ये सही तरीका नहीं है। कुरान एक मकाम पर कहता है वहाँ शुरू हन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो,
फ़ैन करी तुम हन नफासा अंतक रहो शया, अगर ये तुमको नापसंद हैं तो हो सकता है कि एक चीज़ तुमको इसकी नापसंद नज़र आ रही है। वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत सारा खैर भी रखा हो। तो कोई एक चीज़ नापसंद है लेकिन हो सकता है बहुत सारा चीज़ उसके अंदर खूबी वाला भी है, तो नापसंद चीज़ के ऊपर नज़र मत रखो, खूबी वाली चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए मियाँ बीवी क्या करें, खुशगवारी की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ तक कि जो है थोड़ा सा मामला कुछ हो गया गड़बड़, फ़ौरन तलाक देना नहीं है, बल्कि बताया गया कि उनको नसीहत की जाए, उनको समझाया जाए, उनको बतलाया जाए। कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकाम पर बयान फरमाया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ईदूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ वाद्रिबूहुन्न फ़इन अता'नकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाहा काना अलियन कबीरा। यहाँ पर फरमाया गया कि अगर जो है औरत की तरफ से जो है नाफरमानी और औरत की तरफ से ज़्यादती का खौफ हो, तो फरमाया गया कि फ़ईदूहुन्न, फ़ौरन तलाक मत दे दो उनको, फ़ईदूहुन्न, शोहर को हुक्म दिया गया कि अगर बीवी के अंदर नाफरमानी है तो फ़ौरन तलाक मत दो, फ़ईदूहुन्न, उनको बैठाओ अपने पास, उनको बैठा कर उनको अच्छे अंदाज में नसीहत करो, उनको समझाओ कि तुम ये कदम मत उठाओ, तुम ये गलत बोल रही हो, तुम ये गलत कर रही हो। शोहर मीठे अंदाज में समझाए, ये ना कि गुस्सा में चढ़कर तलाक, पहले क्या करे, समझाए। समझाने पर भी समझाने का असर नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है कि वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, समझा कर तुम थक गए, नसीहत करके थक गए, नसीहत इन पर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, तो अब ये करना है कि तुम अपने बिस्तर को इनसे अलग कर लो। वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, इनको इनके बिस्तर पर अलग कर दो, ताकि तुम्हारा बिस्तर अलग हो जाए, इनका बिस्तर अलग हो जाए। जब बिस्तर अलग हो जाए तो हो सकता है कि भाई साथ में सोने की आदत थी, अब बिस्तर अलग हो गया तो जो है उसके दिल के अंदर जो है बेचैनी हो रही है, और फिर वो सोचने लगे कि भाई जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मैं जो बोल रही हूँ, जो है इससे बाज आ जाना चाहिए, शोहर के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। फरमाया गया कि पहले नसीहत की, तलाक पहले देने का हुक्म नहीं है, पहले बीवी को समझाओ, समझाने के बाद भी बात नहीं मान रही है तो फिर जो है बिस्तर को अलग करके देख लो कि इसके अंदर क्या है। बिस्तर अलग करने पर भी नहीं मान रही है, मतलब वही जो है नाफरमानी कर रही है, तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्न, उनको मारो, मारने का भी हुक्म दिया गया, लेकिन मार ऐसी नहीं कि जो है लाठी उठा के ऐसा पीट रहे हैं कि बेचारी के हड्डियां टूट रही हैं और बेचारी के जिस्म के ऊपर जो है ऐसे जख्म आ रहे हैं कि जो देखने के लायक ना हो, इस तरीके की मार मारने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि तंबीहन एक आध थप्पड़ मार दें। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि थप्पड़ की जगह मिसवाक को इस्तेमाल करें, मिसवाक के जरिए ज़रबकारी की जाए, मिसवाक के जरिए मारी जाए, तो एक मिसवाक से मारने पर उतनी मार नहीं पड़ती बल्कि एक तंबीह हो जाए, तो ये मार का हुक्म है। बिल्कुल इतना मार मार दिया जाए कि वो बेहोश हो जाए, उस तरीके के मारने की इजाज़त नहीं है। तो पहले नसीहत की जाए, नसीहत से ना माने तो बिस्तर अलग करके देख लें, उससे भी ना माने तो हल्का सा उनको मारें। जब मारने के बाद अगर वो फ़ैन अतानकुम, वो तुम्हारी इताअत करने लगे, इतना करने के बाद वो तुम्हारी इताअत करने लगे, तो फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला, तो अब इन पर तुम कोई दूसरे हीले को तलाश मत करो। जब ये सुधर गई तो बस इनको क्या करो, अपने करीब कर लो और इनके साथ अच्छी तरीके से क्या करो, ज़िंदगी गुजारो। इसी तरीके से फरमाया गया पहले नसीहत की जाए, उस पर भी ना माने तो बिस्तर अलग की जाए, उस पर भी ना माने तो हल्का सा मारा जाए। इस पर भी अगर ना माने, बात बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए? कुरान ने इसी आयत के आगे फरमाया, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसु हकमन मिन अहलिहि व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमन खबीरा। इसके अंदर फरमाया गया कि अगर इन दोनों के दरमियान कशाकशी हो, इन दोनों के दरमियान कशाकशी हो, मियाँ बीवी बार बार हमेशा झगड़ते रहते हों, इतनी पूरी बातें हो गई, नसीहत हो रही है, समझाया गया, बिस्तर अलग किया गया, हल्का सा मारा गया, फिर भी कशाकशी जारी है, सुधरने का नाम नहीं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अल्लाह कहता है हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिया, एक हकम और एक जो है नरम मिजाज अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करने वाला मर्द की तरफ से हो और एक औरत की तरफ से हो, ये दोनों मिलकर क्या करें, इन युरीदा इस्लाह युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, ये दोनों क्या करें, अगर इस्लाह की फिक्र करेंगे, एक औरत की तरफ से हो और एक मर्द की तरफ से, मर्द हो औरत ना हो,
अगर औरत औरत को भेज दिया जाएगा तो मसला सुधरने की जगह नया नया मसला शुरू हो जाएगा। अगर औरत की सास को भेजा जाए, अगर औरत की सास आए और मर्द की सास आए तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगेंगे। मर्द की सास औरत की सास को कहेंगे कि तुम्हारी बेटी के अंदर उतनी सलाहियत नहीं थी, बड़ी सलाहियतों की तारीफ की, और जो है औरत की जो माँ है वो जो है शोहर की जो है माँ से कहेंगी कि तुम कहते थे मेरा बेटा जो है इतना कमाता है, इतना अच्छा है, तुम्हारा बेटा टमाटर बेच रहा है, तुम्हारा। ये दोनों मसाइल को सुलझाने के बजाय ये औरतें क्या करेंगे, मसाइल को और बिगाड़ देंगे। तो कुरान कहता है कि औरतें ना आए इस मसाइल के अंदर, बल्कि मर्द आए, समझौता वाला मर्द, दानिशमंद मर्द, एक औरत की तरफ से हो और एक मर्द की तरफ से हो। अगर ये सही तौर पर सच्चे दिल से इस्लाह की फिक्र करेंगे कि दोनों के दरमियान मुसालाहत हो जाए तो उम्मीद है कि हो जाए। फरमाया गया इन अल्लाह कान अलीमन खबीरा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारे आमाल से बाखबर है। इसी तरीके से दूसरे मकाम पर भी फरमाया गया वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वसुलहु खैर। इसके अंदर भी फरमाया गया कि अगर औरत को शोहर की तरफ से ज्यादती का अंदेशा हो तो दोनों आपस में सुलह कर लें, ये सुलह कर लेना बेहतर है। तो फरमाया गया कि हर मुमकिन आपस में एक हो जाएं, सुलह कर लें, झगड़ा किसी की तरफ से भी हो जाए, ज्यादती किसी की भी तरफ से हो जाए, तलाक फौरन ना हो बल्कि समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, और ये सारी चीज़ें जो बयान की गई इन सारी चीज़ों पर अमल हो जाए। इन चीज़ों पर अमल होने के बावजूद भी मसला सुधरने के लिए तैयार नहीं है, ज़िंदगी अजीरन हो रही है। तो फरमाया गया कि ज़िंदगी अजीरन हो रही है दोनों की, तो तलाक दो। अब ये तलाक नेमत है, ये तलाक क्या है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर तलाक ही ना होता शरीयत के अंदर, भाई मर जाओ कट जाओ जैसा भी है रहो, एक साथ रहना है, तो वो जो है जहन्नम वाली जिंदगी रहती, और जो है औरत की तरफ से ज्यादती हो तो मर्द जो है हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, और अगर मर्द की तरफ से ज्यादती हो तो औरत हमेशा क्या रहेगी, डिप्रेशन के अंदर रहेगी। तो इसलिए बताया गया कि निबाह की कोई सूरत ना हो तो तब तलाक दी जाए। तो तलाक फौरन एक दो तीन तलाक 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 फौरन बोलना नहीं है, बल्कि कुरान कहता है अब तलाक मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है, फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर उसको भले तरीके से चाहो तो रख लो या भले तरीके से उसको छोड़ दो। फरमाया गया फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अगर तुमने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि वो दूसरी शादी करे, दूसरी शादी करने पर जो है फिर उसको तलाक दे उसका शोहर, फिर पहले शोहर के पास आना चाहे, निकाह करना चाहे तो कर सकते हो। तो जिसको हलाला कहा जाता, आज हलाला को सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक बना दिया गया और इस्लाम को जो है बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम के अंदर हलाला है लेकिन शर्त के साथ नहीं है कि मियाँ बीवी ने आपस में एक दूसरे को तलाक दे दी और अब जो है अफसोस हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सर पे हाथ रख के अफसोस कर रहे हैं कि तलाक हो गया, मैं वो पहले ही शोहर के पास रहूंगा। तो वो क्या करते हैं, शर्त के मुताबिक जो है किसी से निकाह करा देते हैं कि कल तुम तलाक दे देना और जो है फिर हम दोनों निकाह कर लेंगे। ये बिल्कुल नाजायज है, हराम है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। बल्कि हलाला उसे कहा जाता है शरीयत की नज़र में कि अगर शोहर ने तीन तलाक दे दिया, इद्दत गुजारने के बाद वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करेगी, और शादी एग्रीमेंट नहीं कि इतने दिनों के लिए, इतने सालों के लिए, बल्कि हमेशा ज़िंदगी गुजारने के लिए। जिस तरीके से निकाह होता है तो एग्रीमेंट नहीं होता कि 50 साल के लिए निकाह कर रहा हूँ, बल्कि निकाह के वक्त जो इजाब कबूल होता है यही मकसद होता है कि जब तक ज़िंदगी है हम दोनों क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, एग्रीमेंट नहीं होता इतने सालों के लिए। इसी तरीके से दूसरी निकाह भी जो औरत करेगी वो भी जो है एग्रीमेंट नहीं होगा हमेशा रहने के लिए, उसके बावजूद दोनों के दरमियान ना इत्तफाकी हो जाए, फिर वो जो है शक्ल सूरत ऐसी बन जाए कि निभा ना हो सकता हो, तो तब तलाक दे, फिर अगर चाहे तो निकाह आपस में कर सकते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट करके हलाला करना, 5,000 रुपये दे के 10,000 रुपये दे के ये जो कर रहे हैं ये नाजायज़ हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, इस्लाम जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो इसीलिए एक हदीस के अंदर फरमाया गया कि हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले और हलाला पर गवाह बनने वाले इस सब के ऊपर जो है लानत बयान की गई है, इसके ऊपर क्या है, लानतें हैं। इसलिए जो है तलाक दो मरतबा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तलाक दो मरतबा, और तलाक के अंदर एक तलाक रजई है जिसके अंदर रजात कर सकते हैं, एक तलाक से भी जो है अगर हम साथ में नहीं रहना चाहते, एक तलाक से भी हम जुदा हो सकते हैं,
एक तलाक से भी क्या है, हम जुदा हो सकते हैं। और इसी तरीके से फरमाया गया कि जो है दो तलाक दे दे तब भी गुंजाइश है रजत करने का, लेकिन अगर तीन तलाक दे दे तो फिर रजत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो फिर दूसरा निकाह फिर जो है मिलना वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो तलाक की इजाज़त दी गई है लेकिन बिल्कुल आखिरी सूरत में, जब दोनों के अंदर जो है निबाह ना हो। इसी तरीके से जो है एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उस औरतों के ताल्लुक से जो बग़ैर किसी तकलीफ के, बग़ैर किसी परेशानी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है कि मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बग़ैर किसी तकलीफ के अगर किसी औरत का जो है अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करना, यह हराम है। और जन्नत की खुशबू भी इसके लिए क्या है, हराम है। जन्नत की खुशबू भी इसके लिए हराम है। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो औरत बार बार अपने शोहर से यह कह रही हो मुझे तलाक दे दो, मुझे खुला दे दो, खुला का मुतालबा करे, तलाक का मुतालबा करे बगैर किसी तकलीफ के, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वह औरत मोमिना नहीं है बल्कि वह औरत मुनाफिका है। वह औरत क्या है, मुनाफिका है। इसलिए शरीयत के अंदर जो है तलाक बिल्कुल नापसंदीदा है, इजाज़त है, जायज़ है, लेकिन सबसे नापसंदीदा अमल है। निबाह की कोई सूरत न हो तब आखिर में जाकर हम तलाक दे सकते हैं। तो तलाक हम कब दें, शरीयत तलाक जो देंगे शरीयत के उसूल के हिसाब से देंगे, शरीयत के उसूल के हिसाब से। अल्लाह तबारक व तआला भी इसी बात को पसंद करते हैं कि तलाक तलाक़ रजई दी जाए। मियाँ बीवी के दरमियान हर मुमकिन कोशिश कर लिए, अब मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सर पटक लिए, समझा लिए, बिस्तर भी जुदा हो गया, नसीहत भी हो गई, हकम भी आ गए, सब हो गया, कोई सूरत नहीं बन रही है साथ रहने की, तो शरीयत कहती है कि ठीक है तलाक दो, लेकिन तलाक दो तो एक तलाक दो या दो तलाक, तीन तलाक बिल्कुल ना दें। तीन तलाक देंगे तो जो है फिर रजात नहीं कर सकते। और अगर बीवी के साथ रहना ही नहीं है, दोनों का फैसला रहना ही नहीं है, तो एक तलाक से भी जुदाईगी हो सकती है। एक तलाक दिया, एक तलाक देने के बाद तीन हैज गुजर गया, तीन हैज गुजरने के बाद जो है उन दोनों का निकाह टूट गया, अगर रजात न किए तो तलाक़े बाइन पड़ गया, तलाक़े बाइन पड़ने से भी जो है दोनों के रिश्ते टूट गए। दोनों अगर आप औरत इद्दत गुजार कर कहीं शादी करना चाहे तो कर सकती है, मर्द कहीं शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो है तलाक़े रजई देने से जो है एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तलाक़े बाइन हो गया, फिर अब आदमी अफसोस हो रहा है दोनों को कि भाई हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तलाक़े बाइन होने की वजह से सिर्फ निकाह कर देने से निकाह हो जाएगा, सिर्फ निकाह कर देने से निकाह हो जाएगा। तीन तलाक देने में फिर निकाह नहीं करने से भी निकाह नहीं होगा, एक तलाक से भी जो है बीवी हराम हो जाएगी इद्दत गुजरने के बाद, लेकिन जो है फिर निकाह करना चाहे तीन महीने के बाद, दस महीने के बाद फिर अफसोस हो रहा है तो निकाह कर सकते। तो जो है छुटकारा भी एक तलाक से मिल सकती है और जो है बाद में इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो कुरान यही कहता है, एक उसूल बताया कि जब गुस्सा आया फौरन तलाक ना दिया जाए, एक उसूल है तलाक देने का। क्या उसूल है तलाक देने का, तफसीर के अंदर आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबी इदा तल्लक्तुमुन निसा, ए नबी आप उन मोमिनों से कह दीजिए जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो, फतल्लिकुहुन, तो उनको तलाक दो, लिद्दतिहिन, उनकी इद्दत के लिए, व अहसुल इद्दत, और उनकी इद्दत को शुमार करें। यहाँ पर नबी को खिताब किया गया, ए नबी से खिताब किया गया, तो नबी का जो तस्किरा आया यहाँ पर जो है बतौर जो है बरकत के बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा और फरमाया कि नबी को खिताब करके उम्मत को तालीम देना। बाज़ मुफस्सिरीन क्या कहा, या अय्युहन नबी के बाद कुल्लिल मुमिनीना जो है महजूफ है, तो फरमाया गया कि नबी को खिताब करके उम्मत को इस बात की तालीम दी गई कि ए नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मोमिनों से कह दें, इदा तल्लक्तुमुन निसा, जब ये अपनी औरतों को तलाक दें, जब ये अपनी औरतों को तलाक दें तो तलाक कब दें, फतल्लिकुहुन्ना, उनको तलाक दें उनकी इद्दत के लिए, व अहसुल इद्दत, और उनकी इद्दत को शुमार करें। तो इससे पता चला कि औरत को तलाक देना चाहिए हालत तुहर में। औरत को कब तलाक देना चाहिए, हालत तुहर में देना चाहिए, पाकी की हालत में औरत को तलाक अगर देना है तो इजाज़त है ना, सारी चीज़ें मसाइल आ गए, आखिर में अगर तलाक देना है तो हालत तुहर में तलाक देना, पाकी की हालत में, नापाकी की हालत में तलाक देना जायज़ नहीं है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे हैं,
उन्होंने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी, जिसे एमसी कहा जाता है। एमसी की हालत में उन्होंने क्या है, अपनी बीवी को तलाक दी। जब तलाक दी तो हजरत उमर ये पैगाम अल्लाह के रसूल को सुना दिए कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, तो अल्लाह के रसूल बड़े गजबनाक हुए और फरमाया कि एक तलाक दिए हो, रजाअत कर लो, फिर तोहर में इनको तलाक देना। तो जो है तो बड़े गजबनाक हो गए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम। इसलिए हालत हैज में भी तलाक देना नहीं है और ऐसे तोहर में भी तलाक देना नहीं है कि उसके अंदर हम बिस्तरी किया हो। हम बिस्तरी का किसी तोहर में अगर हमें तलाक देना है तो हम बिस्तरी नहीं करना है, बल्कि हम बिस्तरी के बगैर तलाक देना है और इसी तरीके से हालत हैज में तलाक देना नहीं है। और फरमाया गया कि जब हम तलाक दें तो एक तलाक दें, हालत तोहर में एक तलाक दें। और फरमाया गया एक तलाक देने के बाद औरत इद्दत कहाँ गुजारेगी। औरत जो है तलाक पड़ गया तो इद्दत है उसकी, तो इद्दत शौहर के घर में गुजारेगी। इद्दत कहाँ गुजारेगी, शौहर के घर में गुजारेगी। और शौहर के घर में गुजारने का फ़ायदा एक ये है कि अभी एक तलाक हुआ, इद्दत गुजार रही है, दोनों मियाँ बीवी के बिस्तर क्या हो जाएंगे, अब अलग हो जाएंगे। अगर बिस्तर एक हो गया एक तलाक होने के बाद तो क्या हो गया, रजत हो गया। अब रजत हो गया तो फिर वो तलाक बाकी नहीं रहा। तो एक तलाक देने के बाद इद्दत औरत कहाँ गुजारेगी, अपने शोहर के घर में गुजारेगी। शोहर अलग सो रहा है गुस्से में, बीवी अलग सो रही है गुस्से में, फिर जो है एक दिन सोई, दो दिन सोई, चार दिन सोई, टेंशन आ रहा है, टेंशन क्या बेकार की बात है ये। फिर जो है शोहर को जोश आ गया, चल भाई हम क्या है, हम एक साथ रहते हैं, हम क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो गोया कि रजत करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरे के घर में रहे तो फिर रजत करने का उतना जो है जहनो दिमाग के अंदर बात नहीं आती कि रजत करें, वो गुस्सा ही गुस्सा खाते जाता है, यहाँ तक कि जो है तीन हैज गुजर जाता है। तो फरमाया गया कि जो है शोहर के घर में इद्दत गुजारेगी और इसी तरीके से बीच के अंदर जो है उसको जो है एहसास हो गया तो दोनों आपस में एक हो गए, तो जो तलाक होकर जिंदगी खत्म होने वाली थी वो जिंदगी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक हो जाएगी। और इसी तरीके से फरमाया गया कि औरत जो घर शोहर के घर में इद्दत गुजारेगी तो जो है इद्दत का पूरा नानो नफका और सुकना या शोहर के जिम्मे में है। और फरमाया गया कि इद्दत को शुमार भी किया जाए, इद्दत के जो अय्याम है उनको गिना जाए, ऐसा ना हो कि अय्याम जो है ज्यादा हो गया उसके बाद जो है शोहर रजत कर रहा है तो फिर जो है रजत कोई फायदा नहीं करेगा, या इसी तरीके से जो है अय्याम को सही तौर पर गिना नहीं गया है और इद्दत मुकम्मल होने से पहले औरत जो है शोहर के घर से निकल गई, तो गोया के इद्दत मुकम्मल अदा नहीं करना भी गुनाह का काम है। इसलिए फरमाया गया, अल्लाह कहता है वअहसुल इद्दत, इद्दत को शुमार करो, औरत भी इसको गिनती रहे कि कितने दिन हुए इद्दत के और शोहर भी इसको शुमार करे कि कितने दिन हुए। और फरमाया गया वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, यानी इसके इद्दत के मौके पर जो है इनके साथ कोई जुल्म ज्यादती ना हो और इनके साथ इनके ऊपर खर्च किया जाए, इनको खाना खिलाना और घर वगैरह देना, ये सारा जिम्मेदारी शोहर की है, अल्लाह से डरें, रब बकुम जो तुम्हारा परवरदिगार है। फिर आगे फरमाया गया ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, कि जो है इद्दत इद्दत के दौरान इनको अपने घरों से मत निकालो, शोहर को क्या हुक्म दिया जा रहा है, इनको अपने घरों से मत निकालो, वला यखरुजना, और न ये औरत खुद उस घर से निकले। उस औरत के लिए भी जायज़ नहीं है कि अपने शोहर के घर को छोड़कर कहीं पर जाकर क्या करें, इद्दत गुजारें। शोहर के घर में ही क्या करना है, इद्दत गुजारना है, और शोहर को भी इजाज़त इस बात की नहीं है कि अपने अपना रुआब दिखाए कि यहाँ से निकल जा, तेरा तलाक हो गया तो इद्दत बाप के घर में गुजार, शोहर नहीं, बल्कि ये शरीयत हुक्म देती है कि जो है शोहर के घर में क्या करे, इद्दत गुजारे। इसलिए न शोहर निकाले और न वो औरत खुद निकले, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबयना, मगर ये कि वाज़े तौर पर सरीह तौर पर जो है वो फहश कर ले। सही तौर पर फहश का के अंदर जो है बहुत सारे कलाम मुफस्सिरीन ने किए हैं, जिनमें से एक कलाम ये है कि औरत जो है बेहया हो जाए, जिना कर ले, या ये कि औरत बदचलन हो जाए, या ये कि बदज़बान हो जाए औरत, कि घर के अंदर जो इद्दत गुजार रही है लेकिन जो है शोहर के बाप से लड़ रही है, कभी शोहर की माँ से लड़ रही है, या ये कि अपने तौर पर जो है वो शोहर के घर को छोड़कर भाग गई बगैर किसी को पूछे, शोहर की रजामंदी के बगैर औरत अपने घर से चली गई, तो इसका वबाल फिर क्या है, औरत के ऊपर ही है। तो औरत के लिए भाग जाना और जो है इद्दत यहाँ शोहर के घर में न गुजारना, ये गुनाह है, औरत को क्या होगा, इसका गुनाह होगा। फिर आगे फरमाया गया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं, ये अल्लाह ताला के क्या हैं, हुदूद हैं, ये अल्लाह ताला की हदें हैं कि औरतों को जो है इद्दत के लिए अपने घरों के अंदर रखना और औरत उसी शोहर के घर में इद्दत गुजारना और शोहर जो है बीवी पर खर्च करना, ये अल्लाह की हदें हैं, हुदूद हैं। फरमाया गया वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के
अल्लाह के हुदूद हद से तजावुज़ करेगा, अल्लाह के हुदूद को पामाल करेगा, हुदूद से तजावुज़ करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो उसने अपने ऊपर ही क्या किया, ज़ुल्म किया। इद्दत के दौरान शोहर ख़र्चा ना करे और जो है उसके साथ ज़्यादती करे तो जो है वो खुद ज़ालिम है। औरत बगैर बोले शोहर के घर को छोड़कर चली जाए तो वो खुद क्या है, ज़ालिमा है। तो फरमाया गया कि अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ नहीं करना है, जो हद से तजावुज़ करेगा वही क्या है, ज़ुल्म करने वाले हैं अपने आप के ऊपर। फिर आगे बयान फरमाया गया, ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बाद ज़ालिका अमरा। ये जुमला और ये पैगाम, इसके अंदर ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इजाज़त है। वो क्या है, ला तदरी, ए तलाक देने वालों तुम इस बात को जानते नहीं, लअल्लाह युहदिसु बाद ज़ालिका अमरा, कि अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सबील पैदा कर दे, कोई नया रास्ता पैदा कर दे। तलाक देने वाले तुम इस बात को जानते नहीं, मतलब ये है कि इसके अंदर तलाक रजई का हुक्म दिया जा रहा है। तलाक रजई, औरत को तलाक 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 तीन तलाक दे दिए तो फिर कोई सूरत रास्ता नहीं है। अगर दोनों जुदा भी होना चाहें तो एक तलाक के जरिए जुदा हो सकते हैं, जैसा कि बताया कि तीन हैज़ गुजरने, औरत की इद्दत क्या है, तीन हैज़ है, तीन महीने उसकी है इद्दत जिसको हैज़ ना आता हो, आयशा हो गई हो जिसको हैज़ ना आता हो और उसको फिर हैज़ नहीं आता तो उसका शुमार कैसे करेंगे, तो चांद की तारीख से जो है तीन महीना। लेकिन जिसको हैज़ आता हो तो उसका तीन महीना नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कम भी हो जाए, वो आदत के ऊपर है कि तीन हैज़ तलाक दिए हालत तहुर में, एक हैज़ गुजरना, उसके बाद दूसरा हैज़, उसके बाद तीसरा हैज़, ये तीन हैज़ गुजरेंगे तो दोनों के दरमियान निकाह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से फरमाया गया कि अगर किसी ने तलाक दे दिया हैज़ की हालत में तो नाजायज़ अमल है, लेकिन नाजायज़ अमल है, तलाक तो हो जाएगा लेकिन इद्दत शुमार नहीं होगी वो हैज़, बल्कि एक नया हैज़, ये तीन हैज़। इसलिए जो है बेहतर यही है कि हालत तहूर में पाकी की हालत में क्या है, तलाक दी जाए। तो इसके अंदर बयान फरमाया गया कि ये तलाक देने वालों तुम इस बात को जानते नहीं कि अल्लाह ताला इसके बाद नई शक्ल व सूरत पैदा कर दे। नई शक्ल व सूरत ये है कि जो है एक तलाक के जरिए तुम अलग हो जाओ और जो है हो सकता है कि तुम जो है आपस में रजत कर लो इद्दत के दौरान, या ये कि एक तलाक के जरिए जुदा हो गई इद्दत के बाद जो है बाइना हो गई और जो है वो अपने घर में, ये अपने घर में, और जो है उधर औरत परेशान है, नया रिश्ता देख रही है, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, और इधर जो है शोहर जो तलाक़ बाइन के ज़रिए जो है शोहर अपने घर में है, ये नए नए रिश्ते कहाँ कहाँ भेज दिया लेकिन उसको सही रिश्ता नहीं मिल रहा है। अब जो है उधर औरत परेशान, इधर क्या है शोहर परेशान, ये मर्द परेशान। तो जो है फरमाया गया कि एक सूरत यह है कि दोनों अब आपस में निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकते तलाक़ बाइन के ज़रिए। अगर मुगल्लज़ा कर दें, तीन तलाक दे दे तो फिर कोई रास्ता नहीं है। तो इसी को अल्लाह कहता है कि तलाक रजई देने से एक फ़ायदा तो ये है कि इद्दत के अंदर रजत करना चाहे तो भी रजत कर सकता है, कि एक तलाक दे दिए फिर जो है एहसास हुआ कि गलत कर दिया, मैं बीवी को कह दे कि ठीक है मैं फिर से तुझे बीवी बना लिया, या जो है बीवी के साथ जो है बीवी जैसा सुलूक करने लगे तो वो क्या हो गया, रजत हो गया। या एक तलाक के जरिए दोनों का निकाह टूट गया तो बाद में अगर अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अफसोस होता भी है, अफसोस क्या है होता भी है कि अगर बच्चा हो दोनों के तो जो है बच्चे की ज़िंदगी क्या हो जाती है, अजीरन हो जाती है, बच्चा जो है बाप का भी मोहताज बन जाता है, माँ का भी मोहताज हो जाता है और बीच में बच्चा क्या हो जाता है, लटक जाता है और फिर कोर्ट कानून के चक्कर हो जाते हैं कि बच्चा किसका होगा। भाई बच्चे को दोनों की ज़रूरत है, बच्चे को क्या है, दोनों की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर जो है माशरे के अंदर जो है बेइतदाली बढ़ती जाती है। इसलिए जो है शरीयत ये कहती है कि अगर जुदा भी होना है तो तलाक़ बाइन के ज़रिए जुदा हो जाओ, बाद में अफसोस होने लगे तो तुम दोनों आपस में क्या कर सकते, निकाह कर सकते, उसमें हलाला की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह इसी पैगाम को दे रहे हैं कि जो अगर बीवी से जुदा होना है तो तलाक़ रजई के ज़रिए क्या होना चाहिए, जुदा होना चाहिए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शरीयत के अहकाम समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और माँ बक्या जो पैगामात है तलाक के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आइंदा आएगा, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह।